अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलो, क्या बताना चाहते हो पिताश्री के बारे में? सच ये है राजकुमारी जी कि वे एक राक्षस है। काफी! अगर एक शब्द भी और कहा ना तो अभी के अभी प्राण ले लेंगे तुम्हारे। प्राणों का भय रखने वाले सच कहां बोल पाते हैं राजकुमारी जी। आपने सच सुनने की इच्छा जताई थी ना, तो सुनिए सच। एक साधारण मागत की दृष्टि में आपके पिता एक हृदयहीन और अत्याचारी राजा है। तुम हमें ये सब आप क्यों बता रही हो? क्योंकि मगध नागरिक के रूप में मेरा मन यहाँ के साधारण नागरिकों के लिए रोता है। आपके पिता के अत्याचारों से विवश होकर ही यहाँ के किसानों ने खेती छोड़कर तलवार उठाई है। आपके पिता के अत्याचारों से विवश होकर एक साधारण मगध परिवार विद्रोही बनने पर विवश हो गया। चुप चुप हो जाओ, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, मात्र आपको सच बता रही हूं। राजमहल में आपके कक्ष से जो नहीं दिखता वो सच। आपके निजी कक्ष के झरोखों से सदा सुंदर सुंदर फूल और फलों से लदे वृक्ष ही देखे हैं आपने। न भूख दिखी, न विवशता, न पीढ़ियों से अबोले पिसना। साधारण जन का सच दिखा ही कब है आपको? और सच ये है, जब तक आपके पिता मगध के राजा हैं, मगध कभी सुखी और समृद्ध नहीं रह सकता। मगध के भाग्य को बदलने वाले साधारण जन अत्याचारों के विरुद्ध साहस कर उठ खड़े हुए हैं और वे बाहर लड़ने आ चुके हैं। ये अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अधिक से अधिक अब इतना ही अंतर होगा। आज चंद्रगुप्त ने मुक्ति का स्वर उठाया है, कल कोई और उठाएगा, किंतु विद्रोह की ये ज्वाला अब मगध की सत्ता को बदले बिना नहीं बुझने वाली। मुझे पता है वे आज हार जाएंगे। चंद्रगुप्त मारा जाएगा आज, क्योंकि उनकी विजय के लिए आवश्यक है हमारे दुर्ग का द्वार खुलना, जो कि भद्रसाल के होते हुए संभव नहीं। वे कभी कभी दुर्ग का द्वार नहीं खोल पाएंगे, किंतु चेष्टा चेष्टा जरूर करेंगे और मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे। यदि एक राजकुमारी का हृदय अपने धरती पुत्रों के लिए भी ना रोए तो फिर वो कैसी राजकुमारी? यदि मैं आपके स्थान पर होती तो मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्य पे हर संबंध निछावर करती थी, किंतु मैं राजकुमारी नहीं, मात्र एक दास हूं। आप दासी नहीं है, आप सचमुच मगध की राजकुमारी है, अर्थात मगध की पुत्री। आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? आप असहाय पीड़ित मुक्ति के लिए छटपटाती जनता के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? आत्मा है आपके पास राजकुमारी जी, और जिसके पास मानव हृदय होता है, सत्य के प्रकाश में जगमगाती आत्मा होती है, उन्हें अपनों और परायों में अंतर करना आता है, उन्हें भले और बुरों में अंतर करना आता है, उन्हें शोषक और शोषित में अंतर करना आता है। अब निर्णय आप ही लें, क्या उचित है क्या अनुचित।
आचार्य ने तो कहा था कि भीतर हमारा दुर्ग में सूत्र है, फिर वो भीतर से द्वार क्यों नहीं खोल रहा? हमारा सूत्र तभी तक हमारा सूत्र है जब तक कि वो भीतर पहचाना ना जाए। हमारा संकेत कहे कितनी देर हो गई, किंतु मेका ने कोई संकेत नहीं दिया अभी तक। अवश्य कोई गड़बड़ हुई है। आशा करता हूं कि मेका कुशल हो और हमारा यह अभियान असफल ना हो। अब क्या होगा आचार्य? चंदू, ये दुर्ग का द्वार क्यों नहीं खुल रहा? हमारी योजना के अनुसार ऐसा तो नहीं होना था। यदि तुम किसी अप्रत्याशित बाधा या किसी विपरीत परिस्थिति को अपने समक्ष पाओ तो मात्र अपनी बनाई हुई योजनाओं से बंधे मत रहना। आज तक तुमने जो सीखा है गुरुकुल से, मुझसे या अपने जीवन के अनुभवों से, उन सभी का सहारा लेकर तिथियों को अपनी मुट्ठी में लेना। याद रखना चाहिए, आज रात जो भी निर्णय तुम लोगे उसी से तुम्हारा आने वाला कल बनेगा। और एक वीर सेना नायक की वीरता से, निर्भीकता से उनके लिए उदाहरण सिद्ध करना। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। चल। मेरे ध्यान का समय हो गया। परंतु आचार्य, ये युद्ध, यहां तो देखकर लग रहा है कि जैसे हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। किसी भी युद्ध में समझदारी ज्ञान में नहीं, कल्पनाशीलता में होती है। और आज के युद्ध का भविष्य मैं अपने शिष्य की कल्पना पर छोड़ता हूं। डूबते हुए बेड़े से जीवित कैसे बचकर निकला जाए, किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता। विजयश्री उन्हीं का वर्णन करती है जो कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सदैव तत्पर हो। इसीलिए एक अच्छे योद्धा का आकलन बहुत सरल होता है। उसे किसी भी विपरीत परिस्थिति में छोड़ दो, वो वहां से विजेता बनकर ही लौटेगा, जो मेरा शिष्य करेगा आज। सामन जी, हमारे लक्ष्य परिधि में जो आकृतियां हैं वो हमारी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे पता है वो क्या करेगा। वो मेरे ही जाल में फंसेगा, देख लेना। शशांक, हमारे पास एक ही मार्ग है। हमें किसी भी तरह दुर्ग के अंदर प्रवेश करना होगा और भीतर से मुख्य द्वार खोलना होगा, तभी हमारी सेना अंदर प्रवेश कर सकती है। किंतु चंदू, अंदर बड़े संकट होंगे और फिर तेरा यूं भीतर जाना, अंदर कुछ भी हो सकता है। सच्चा नायक वो जो अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करे, ना कि वो जो स्वयं को संकट से बचाकर अपने साथियों को संकट में डाले। मुझे इन लोगों के लिए उदाहरण बनना है शशांक। वो देखो, चंद्रगुप्त दुर्ग पे चढ़ रहा है। आचार्य, चंद्रगुप्त अकेला ही दुर्ग की प्राचीर पर चढ़ रहा है। अब चलाओ तीर।